हेलो फ्रेंड्स, नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आ चुके हैं। आपको एक पाश्चात्य दार्शनिक के जेरेमी बेंथम का आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पूरा कोटेशन लिखा हुआ है, संक्षिप्त परिचय है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक है सबके जो इतने महत्वपूर्ण कोटेशन है जो हम अलग अलग किताबों से एक ही जगह एक ही वीडियो में सबमिट कर आपको दे रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीजीटी पीजीटी में या टीजीटी की परीक्षाओं में जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कोटेशन से ही आते हैं। तो अगर ये आपका अगर पार्ट्स अगर तैयार रहता है तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे और भीड़ से आप अलग हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए जो होने वाली है मे बी शायद, और उनका है नाम बेंथम। बेंथम का संक्षिप्त परिचय में क्या करते हैं कि इनका जो जन्म है 1784 ईस्वी में हुआ था, यानी जेरेमी बेंथम का जो जन्म है 1784 ईस्वी में हुआ था और स्थान लंदन में। क्वेश्चन में भी पूछता है या शिक्षाविदों का पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ध्यान दीजिए इनका जो जन्म है 1784 ईस्वी में हुआ था और स्थान था क्या था, लंदन, और इनकी मृत्यु हो गई 1832 ईस्वी में। 1832 में मृत्यु इनकी हो जाती है और इनको कहा जाता है उपयोगितावाद का जनक। उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो बेंथम को। बार बार क्वेश्चन में आया हुआ है या चार ऑप्शन दे देता है और उसमें आपको मैच कराने को दे देता है। और उपयोगितावाद का मतलब होता है कानून, क्योंकि ये कानून के सबसे बड़े ज्ञाता थे इन्होंने। और आप देख रहे हैं कि इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उनका नाम था फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन पर कुछ विचार। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं तो इन्हें जेल सुधारक कहा जाता है और कानूनविद कहा जाता है। कानूनविद और जेल सुधारक कहने वाले कौन थे, किनको कहा जाता है, सॉरी उनको कहा जाता है जेरेमी बेंथम को। इनके जो अधिकार है, अधिकारों में इन्होंने दो भागों में बांटा था, एक था उनका कानूनी अधिकार, एक था क्या उनका नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकारों का पालन करने वाला कौन था, तो था जेरेमी बेंथम। और जेरेमी बेंथम की आलोचनाओं में एक कार्यालय है जिन्होंने उनके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को सुअरों का दर्शन कहा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि उनके दर्शन को सुअरों का दर्शन करने वाला कौन था, तो था कार्यालय था। आगे उनका है कि एक व्यक्ति और एक मत का अधिकार देने वाला कौन था, तो जेरेमी बेंथम, यानी एक व्यक्ति एक मत का अधिकार देने वाला जेरेमी बेंथम। और उपयोगिता इनकी उपयोगिता बेंथम की जो उपयोगितावाद था उसमें संशोधन करने वाला कौन है, तो मिल है, यानी मिल ने क्या किया था कि बेंथम के उपयोगिता में क्या किया था, उपयोगितावाद में संशोधन किया था। अब दूसरा इनका जो एक पुष्पिन का खेल था यानी बच्चों का खेल, इसको उपहास करने वाला कौन था, तो भी आपका मिल थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि पुष्पिन खेल का उपहास करने वाला कौन था, तो मिल था, और उनकी उपयोगिता में संशोधन करने वाला कौन था, तो भी थे आपके मिल महोदय थे। अब इनको देखते हैं, एक कीवर्ड आपको हम दे रहे हैं, जो भी जितने भी दार्शनिक है सबका हमने कीवर्ड दिया है ताकि आप उसको पहचान सके या पकड़ सके, ये सवाल है। अब देखिए कीवर्ड में क्या है, साधन है, और इन्होंने जो राज्य को तक क्या माना था, साधन माना था, और सुख माना था साध्य को, यानी इनके अनुसार साध्य क्या है, सुख है, या साधन क्या है, राज्य है। तो साधन माना था राज्य को और साध्य माना था सुख को, क्योंकि सुख को ही इन्होंने प्राथमिकता दिया था। और इनके जो कोटेशन इस प्रकार है, आप देख रहे हैं हमने 13 कोटेशन लिखा हुआ है जो हर वर्ष कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर परीक्षा देंगे तो बेंथम का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। और इसमें देखते हैं इनका महत्वपूर्ण कथनों में क्या है, सबसे पहला है कि प्राकृतिक निर्माणों को सुख और दुख नामक दो स्वामियों में रखा था। ये परीक्षाओं में आ चुका है, ये पिछले साल जो 2022 की टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हमने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। अगला है अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की अवधारणा देने वाला कौन था, तो जेरेमी बेंथम महोदय थे। नेक्स्ट है विभिन्न सुखों में गुणों का नहीं परिणाम का भेद है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट बना लीजिए, पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम है नोट्स बना लीजिए, कहीं से कुछ मिले आपको गेन करना चाहिए। दो नंबर का सवाल है उसको ले लीजिए, जहां से जो मिलता है उसको पहले अचीवमेंट करिए, और यही आपका अचीवमेंट धीरे धीरे रहेगा तो आपको क्या मिलेगा आगे चल करके, वही ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाएंगे। अगला है अधिकार कानून तथा कानून का फल है, बगैर कानून के कोई अधिकार नहीं,
और कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण आपका कोटेशन इनका है कि कानून से पहले कोई अधिकार नहीं, किसने कहा था? तो ये थे जेरेमी बेंथम महोदय थे। अगला है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि एक काव्य पाठ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी कोटेशन है सारे महत्वपूर्ण कोटेशन है जो आपको हम यहाँ से दे रहे हैं। समझ लीजिए कि आप लोग के लिए बहुत कॉन्टेक्ट वीडियो है, आप लोगों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है उनको रिवीजन में काम आ जाएगा, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है अब उनके लिए समय है वो चाहे तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और हम जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, जॉन लॉक हो गए, सभी लोगों का हाफ लाख रुपये सबका हमने वीडियो बना करके, और एक वीडियो में एक ही शिक्षाविद, एक ही पाश्चात्य दार्शनिक के समस्त कोटेशन हमने डाला है, चाहे वो राज्य से बात करते हैं चाहे कहीं से बात की हो, सारा कोटेशन आपको एक ही जगह मिल जाने वाला है। अगला है, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं पर सहन करने के लिए केवल सुख और शांति। इन्होंने कहा था कि युद्ध और तूफान तो पढ़ने के लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं लेकिन सहन करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। अगला है, अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं। अधिकार जो है राज्य के द्वारा मान्य दावे हैं, और इन्होंने क्या किया था कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन कर दिया था, प्राकृतिक अधिकार को उन्होंने खंडन कर दिया था, और ये कहा था कि अधिकार राज्य द्वारा मान्य क्या है? दावे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस देश में कानून बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इस देश में जो कानून है वो बेचे जाते हैं और बड़े महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गरीब है उसको कानून का कोई लाभ नहीं मिलता, जो अमीर है वो जैसे चाहे वैसे यहाँ पर अपने ढंग में जो है कानून क्या करता है कि अपने ढंग में कानून पारित करवाता है। यही कहते हैं कि बड़े दामों पर क्या होता है, कानून बेचे जाते हैं। अगला है, विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना नहीं होती है। विधि का मतलब कानून, कानून को सर्वोपरि माना है इन्होंने, हमने बताया था उपयोगितावाद का मतलब क्या है, कानून है। कहा था कि राज्य की आज्ञा का पालन, सॉरी, विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। और विधि कानून है तो दंड जरूर रहेगा, और दंड नहीं रहेगा, किसी पर दबाव नहीं रहेगा तो व्यक्ति सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, वो मनमाना करने लगेगा, यानी कानून का उस पर प्रादुर्भाव होना चाहिए। बिना कानून के जैसे कहते हैं ना, भय बिन होत न प्रीत, तो वही चीज यहाँ पर है। अगला है, राज्य की आज्ञा का पालन लाभ और उपयोग हेतु लोग करते हैं। लोग जो है राज्य की आज्ञा का पालन किस लिए करते हैं? लाभ और उपयोग के लिए करते हैं। अगला, आध्यात्मिक के क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक जो भी भ्रम और प्रसाद का एक क्या है, गड़बड़ घोटाला है। अगला है, यह दुर्गुणी दुनिया गणतंत्रों से ढक देने पर ही ठीक हो सकती है। ये भी कोटेशन इनका ही दिया हुआ है, जेरेमी बेंथम महोदय का। अगला है कि मनुष्य को जो अच्छा लगता है उसी को वह क्या करता है, ईश्वरीय इच्छा समझ करके अनुकूल हो जाता है। यानी कि मनुष्य जो है वो भगवान के या ईश्वर के दिए हुए चीजों को मानता है कि ये जो है ईश्वर ने हमको दिया है, बस उसी में क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों का जो है कोटेशन है, हमने 13 क्वेश्चन लिखा है, और परीक्षा में इसमें से जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर से आई रिपीट अगेन, फिर से कर देता हूँ रिपीट। जेरेमी बेंथम, इसको हम उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, उपयोगितावाद का मतलब होता है कानून, और इनका जो मास्टर की है, साधन क्या है, राज्य है, और साध्य क्या है, सुख है। और अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की अवधारणा किसने दिया था, तो जेरेमी बेंथम ने दिया था। संक्षिप्त परिचय में, इनका जन्म 1784 में हुआ था, लंदन में हुआ, मृत्यु हो गई 1832 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन पर कुछ विचार, और जेल सुधारक का किसे कहा जाता है, तो जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। कानूनविद किसको कहा जाता है, तो जेरेमी बेंथम को कहा जाता है। अधिकारों को दो भागों में बांटने वाला जेरेमी बेंथम, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। इनकी आलोचनाओं में सूर्य का दर्शन करने वाला कौन कहा था, कार्यालय कहा था। और एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने दिया, तो जेरेमी बेंथम ने दिया था। उपयोगिता में संशोधन किसने किया, मिल ने किया। और पुष्पिन खेल का उपहास किसने उड़ाया था, तो मिल ने उड़ाया था। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिए। जो लोग पुराने हैं वो बने रहे, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो आपको हम डालें तो आप तक ले मिल जाए। यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।